अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशर आपके अपने चैनल फोकस इट के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कनाल घर अगर आप DHA में या बैरिया टाउन वगैरह में बना रहे हैं तो उसकी बाउंड्री वॉल बनाने पे आपकी कितनी लागत आएगी, उस पर कितना मटेरियल लगेगा, उस पर कितनी लेबर लगेगी, यानी कि उसकी टोटल कास्ट जो है वो कितनी आएगी। क्योंकि बाउंड्री वॉल का रेट कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होता, ये अलहदा से कंट्रैक्टर वगैरह चार्ज करते हैं। अगर आप बाउंड्री वॉल बनवाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल जो लागत है वो कितनी है। तो इसी मकसद के तहत मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर आपने बाउंड्री वॉल बनवानी है तो वो बनेगी कितनी और उस पर आपका कंट्रैक्टर जो है वो कितनी प्रॉफिट ले रहा है। इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल जो एक कनाल के प्लाट का होता है 90 फीट बाई 50 फीट, उसके मुताबिक जो बाउंड्री वॉल की पैमाइश बनती है वो 260 रनिंग फिट बनती है, यानी कि दो साइड्स 90-90 फुट की और फ्रंट और बैक वाली मिला के 100 फुट, 50-50 फुट मिला के 100 फुट। इसकी जो हाइट है वो 6 फुट होगी पोर्च के लेवल से, यानी कि पोर्च का जो फ्लोर लेवल है उसके लेवल से जो आपकी बाउंड्री वॉल की हाइट है वो 6 फिट होगी। तो चलें नोट कर लें कि बाउंड्री वॉल एक कनाल के घर की बाउंड्री वॉल में जितना मटेरियल लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो मटेरियल है मैं उसका ब्रेकअप आपको बताता हूँ। इसमें नंबर 1 पे है सीमेंट, सीमेंट के बैग आपके लगेंगे 130, इसमें सारे काम शामिल हैं, नीचे PCC ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन DPC और ऊपर जो चुनाई है ब्रिकवर्क हो रही है और जो अंदर बाहर से प्लस्तर होगा वो सारा कुछ डाल के जो आपका सीमेंट लगेगा वो 130 बैग के करीब आपका सीमेंट लगेगा। नंबर 2 पे है फाइन सैंड बारीक रेत, यानी कि इधर तो अगर लाहौर वगैरह में देखें तो रावी सैंड जो है वो चुनाई के लिए यूज़ की जाती है, ये आपकी लगेगी 670 क्यूबिक फिट और ये 20 रुपये के हिसाब से बनती है आपकी 13,400 रुपये की। सीमेंट आपका जो 130 बैग था वो बनता है तकरीबन 560 रुपये से 580 रुपये, जो आजकल रेट चल रहा है तो 560 के हिसाब से वो आपका बनता है तकरीबन 72,800 रुपये का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नंबर 3 पे है कोर्स सैंड मोटी रेत, यानी कि जो हम प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो मोटी रेत इस्तेमाल करेंगे, वो इधर जो यूज़ की जाती है वो तकरीबन वो चंद्राय चनाब की जो सैंड है वो यूज़ की जाती है प्लस्तर वगैरह के लिए, वो मोटी और अच्छी रेत होती है, वो आपकी लगेगी 170 क्यूबिक फिट और जो उसका रेट है वो तकरीबन मार्केट में 30 से 32 रुपए के दरमियान है, तो 32 रुपए के हिसाब से वो आपकी बनती है 5,440 रुपए की, 5,440 रुपए की। नंबर 4 पे है क्रश बजरी, ये आप जो वो DPC डालेंगे दीवार के ऊपर ये उसमें इस्तेमाल होगी, ये आपकी लगेगी 25 क्यूबिक फीट और 70-75 जो उसका रेट चल रहा है, कहीं एरिया वाइज फ़र्क होता है, तो 75 रुपीज़ के हिसाब से ये आपकी बनेगी 1,875 रुपये की। नंबर 5 पे है ब्रिक प्लास्ट ईंटों वाला रोड़ा, जो नीचे फाउंडेशन में डाला जाता है PCC 148 करने के लिए, ये आपका लगेगा 240 क्यूबिक फीट और 40 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से, ये आपका बनेगा 9,600 रुपये का। अब बात आ जाती है ईंटों की, जो कि मेन आइटम है, ईंटें आपकी लगेंगी 26,011 रुपये से 13 रुपये के दरमियान रेट चल रहा है ईंट का, तो 11,500 रुपये में भी ईंट मिल जाती है, तो 11,500 रुपये के हिसाब से ईंटें आपकी बनती हैं 2,99,000 रुपये की। वाटर प्रूफिंग केमिकल, जो DPC के ऊपर हम कोटिंग करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, वो आपका लगेगा 195 स्क्वायर फिट एरिया उसका, तो 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फिट एरिया में ये हो जाता है, तो 15 रुपये के हिसाब से ये आपका बनेगा 2,925 रुपये का। और एंटी टर्माइट केमिकल, ये फाउंडेशन में की खुदाई करने के बाद हम फाउंडेशन में ऐसे यू शेप में जो शेप बनती है उसमें इसका स्प्रे करते हैं ताकि दीवार में दीमक ना लगे, तो ये आपका लगेगा तकरीबन 4 लीटर और 2,000 से 3,000 के दरमियान इसका जो है वो रेट है पर लीटर, अच्छे ब्रांड जो है मुख्तलिफ ब्रांड में मिलता है, तो 2,500 के हिसाब से ये आपका बनेगा 10,500 रुपये का। तो इस तरह आपकी जो मटेरियल कास्ट है, जो मटेरियल की लागत है, वो बनती है 415,540 रुपये, यानी कि 415,000 से 420,000 के दरमियान आपका जो मटेरियल है वो लगेगा। इसमें जो आपकी लेबर है वो लगेगी
सारे काम खुदाई, दूसरा PCC ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन DPC और ऊपर वाली चुनाई और प्लस्तर वगैरह सब कुछ करके जो आपका जो लेबर है वो बनती है तकरीबन 2,05,000 से 2,10,000 रुपये में। तो इन दोनों का अगर टोटल करें हम, टोटल मटेरियल कास्ट और लेबर कास्ट की, तो वो बनता है 6,20,460 रुपये। ये वो लागत है जिसमें दीवार बनेगी, खड़ी होगी, फिनिश होगी प्लस्तर तक, यानी कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसमें जो है वो प्लिंथ बीम शामिल नहीं है। प्लिंथ बीम स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जो अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका रिकमेंड करे वो उसका आपको बताए तो वो अलग से चार्ज होगा। ये नॉर्मल बाउंड्री वॉल जो बनती है DHA में, जिसकी DPC से नीचे जो लेवल मैंने रखा है वो 5 फुट गहराई है खुदाई समेत। DPC से ऊपर आपकी ईंटें जो लगेंगी वो हैं 9,400। 26,000 में से 9,400 आपकी DPC से ऊपर लगेंगी और बकाया जो है वो आपकी फाउंडेशन में लगेंगी। फाउंडेशन की ईंटों में फ़र्क आ सकता है क्योंकि वो किस जगह प्लाट गहरा होता है, किस जगह नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर प्लाट हो तो वो फिर आपकी टोटल ईंटें जो हैं वो 26,000 ही लगेंगी। अगर आप किसी कंट्रैक्टर से रेट लेते हैं बाउंड्री वाल का, तो वो अगर आप 15% इसमें ऐड कर लें, 6,20,000 का 15% ऐड कर लें, तो अमाउंट बनती है तकरीबन 7,13,000, 7,14,000 के आसपास। तो इस तरह विद कंट्रैक्टर प्रॉफिट एट द रेट 15%, 7,14,000 से 7,20,000 के दरमियान जो है वो आपकी बाउंड्री वॉल एक कनाल के घर की कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया कि एक कनाल के घर की बाउंड्री वॉल पे जो एक्चुअल लागत आनी है वो तकरीबन 6,20,000 से 6,30,000 के दरमियान ही आएगी। तो अगर आप किसी कंट्रैक्टर से रेट लेने जा रहे हैं तो वो इससे ऊपर जितने भी अमाउंट आपको बता रहा है वो उसकी प्रॉफिट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।